बजरंग टीवी, कहानी पुराणों की, ज्योति आस्था की। यदि तुम्हारे यहाँ आने का कारण आचार्य की पुकार है तो मुझे यह चुनौती स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। ठहरो युवान, हस्तिनापुर के राजकुमार को चुनौती देने से पूर्व तुम्हें समस्त हस्तिनापुर की प्रजा को अपना परिचय देना होगा। हाँ, वो आवश्यक भी है, ताकि अर्जुन के बाणों से घायल होने के पश्चात इसे इसके घर पहुंचाया जा सके। कौन हो तुम युवक, अपना परिचय दो। बीता हुआ समय लौट कर नहीं आता मामहिम, परंतु बीते स्मरण लौट कर आते हैं। धनुष से निकला हुआ बाण लौट कर नहीं आता, परंतु धनुष की प्रत्यंचा लौट कर आती है। अतीत को भूतकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो वर्तमान में लौट कर आता है। मैं हस्तिनापुर का अतीत हूं जो आज लौट कर आया। जिसे बाण को छूने का अधिकार नहीं मिला वो बाणों का प्रहार लेकर आया है। सत्य कहने पर जिसका उपहास उड़ाया गया वो सच्ची चुनौती लेकर आया है। जिसके निरपराध भाई को मार दिया गया वो न्याय का प्रतिकार लेने आया है। जिसे धनुर्ज्ञान के लिए अयोग्य समझा गया वो अपनी योग्यता का सम्मान लेने आया है। आप कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए। मैं केवल और केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूं। कर्ण, आज मुझे शस्त्र का त्याग करना पड़ा है, किंतु आगे जीवन में किसी कारणवश अगर मुझे शस्त्र उठाना पड़ा तब उसका त्याग कोई नहीं करवा पाएगा, नहीं करवा पाएगा। अधीरथ का पुत्र कर्ण, शोमन का भाई कर्ण, पांडवों का शत्रु कर्ण। राधे कर्ण, कर्ण अब मेरा परिचय पूरा हो गया हो तो क्या द्वंद की अनुमति है महामहिम? नहीं। कदापि नहीं, तुम्हें द्वंद की अनुमति कदापि नहीं मिल सकती। अर्जुन कुरुवंशी है, अर्जुन क्षत्रिय है, अर्जुन राजकुमार है, और तुम केवल एक सूत पुत्र हो, सूत पुत्र। Yeah.
और एक राजकुमार के साथ द्वंद की अनुमति एक सूत पुत्र को नहीं दी जा सकती। मौन क्यों हो गए सूत पुत्र? धनुर्धारियों की लाज बचाने आए थे ना, अब अपने कुल और जाति पर कदाचित लज्जा रही है। लज्जित नहीं हूं मैं विरकोदर, लज्जित नहीं हूं कि मेरा जन्म एक सूत कुल में हुआ। गर्व है मुझे कि मेरे पिता एक सारथी हैं, परंतु शोभ है कि युद्ध में महारथी से पहले बाणों का सामना करने वाले सारथी को यहां सम्मान का पात्र नहीं समझा जाता। अभिमान है मुझे मेरी माता के लालन पालन पर कि जिसने एक सूत को एक धनुर्धर बनने के योग्य बनाया, एक योद्धा बनाया, योद्धा बनाया, योद्धा बनाया। परंतु ग्लानि है इस संसार के सबसे महान योद्धा आज तक कैसे जाति और कुल के युद्ध में उलझे हैं। हां मैं सूत पुत्र हूं, सूत पुत्र हूं, सूत पुत्र हूं। इसी कारण तुम्हें द्वंद्व की अनुमति नहीं दी जा सकती। केवल एक राजकुमार को ही इस रंगभूमि में द्वंद्व की अनुमति दी जा सकती। क्यों मां महीम, मोती किस सागर से आता है कौन पूछता है, उसे माला में ही पिरोया जाता है ना। सागर जलधारा को स्वयं में समाने से पूर्व उससे उसका उद्धाम नहीं पूछता। कुंभ किसी भी माटी से बना हो उसका लक्ष्य केवल प्यास बुझाना ही होता है। किंतु वर्ण प्रथा दशकों से चली आ रही, उसके कुछ नियम हैं जिनका उल्लंघन असंभव है। नियम ये थे कि वर्ण विभाजन कर्म से हो, आप लोगों ने उसे जन्म से जोड़कर नियम बदल डाले, तो आज नियम क्यों नहीं बदल सकते। गुरु परशुराम जन्म से एक ब्राह्मण है और कर्म से एक क्षत्रिय। विश्वामित्र राजकुल में जन्म लेकर एक ब्रह्म ऋषि बन सकते हैं, तो क्या एक सूत पुत्र को अपने कर्म से द्वंद्व का अधिकार नहीं मिल सकता? क्योंकि सूत का केवल एक ही कर्म है, रथ के रास को संभालना, धनुष के प्रत्यंचा को नहीं। क्योंकि लोखंड से तलवार निर्मित हो सकती है, आभूषण नहीं। स्वर्ण की माला में केवल माणिक जड़े जा सकते हैं, कोयले के खंड नहीं। जो हीरक खंड सम्राट के मुकुट की शोभा बढ़ाता है वो भी कोयले की खंड से ही बनता है।
अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए कितने नियम बनाएंगे और कितने नियम तोड़ेंगे आप? मुझे शिष्य नहीं बनाया, भील पुत्र एकलव्य से गुरु दक्षिणा में दाहिने हाथ का अंगूठा ले लिया। और जब लगा कि अर्जुन को ललकारने के लिए कोई नहीं, तो संसार के समस्त धनुधारियों को चुनौती दी। और अब मैं प्रस्तुत हूं, तो तर्क दे रहे कि मैं चुनौती का पात्र ही नहीं। क्या आपकी सोच एक सूत को संसार का भाग नहीं मानती? बस बस मेरे सम्मान को ललकार रहे हो, बस करो। नहीं, मैं आपके अन्याय को ललकार रहा हूं। ये किस अन्याय है महामहिम? मैं इस नीति को नहीं मानता। इसका निर्णय हस्तिनापुर की प्रजा करेगी। जिस हस्तिनापुर के समक्ष तुमने उसके राजकुमार अर्जुन को चुनौती दी है, पूछो उस प्रजा से क्या वो अपने राजकुमार का द्वंद एक सूत पुत्र के साथ होते हुए देखने की इच्छुक है। प्रश्न का उत्तर मिल गया कर्ण, अब प्रस्थान करो। परंतु बस कर्ण, अपने पिता की सीख नहीं स्वीकारी, आचार्य जी की चेतावनी नहीं स्वीकारी, महामहिम का आदेश नहीं स्वीकारा, अब क्या प्रजा का तिरस्कार भी नहीं स्वीकारोगे? घर चलो कर्ण, समझने का प्रयास करो। तुम्हारा जीवन पुरस्कार नहीं, ये तिरस्कार है। घर चलो। महामहिम आचार्यवर, इसे क्षमा कर दीजिए। ये मूर्ख है, उदंड है, कहां कैसे व्यवहार करना है उसकी समझ नहीं है इसे। सूत पुत्र है ना, राजज्ञान की समझ नहीं है इसे। इस बुद्धिहीन दृष्ट उदंड को क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। इस बुद्धिहीन दृष्ट उदंड को क्षमा कर दी, क्षमा कर।
सूत पुत्र सीखो, अपने पिता से मर्यादा की सीमा सीखो। सारथी बनने की याचना लेकर आते तो कदाचित अर्जुन की सेवा में रख लेते, परंतु तुम तो द्वंद करने चले आए। जाओ सूत पुत्र, घर जाकर अपने पिता से मर्यादा का पाठ सीखो। भीम, पहले तुम मर्यादा में रहना सीखो। अधिरथ महोदय, मैं अपने अनुज की ओर से आपसे क्षमा चाहता हूं। घर चलो पुत्र, जहां हमारा स्थान नहीं वहां हमारा सम्मान नहीं। होने वाले सम्राट, इस अर्जुन के हर दिव्यास्त्र का उत्तर है ये कर्णास्त्र। इसे अपने हाथ से ना जाने देना, ना। बनूंगा। जो सूत धनुष का स्पर्श करता है उसका हाथ काट दिया जाता है। तुम्हें द्वंद की अनुमति कदापि नहीं मिल सकती। अर्जुन कुरुवंशी है, अर्जुन क्षत्रिय है, अर्जुन राजकुमार है, और तुम केवल एक सूत पुत्र हो। सूत पुत्र, भैरोकांड श्री कर्ण के प्रश्न अनुचित नहीं, ना ही उसकी चुनौती। पूछ तो कहा कर्ण ने, आचार्य ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए नियम बनाए। फिर उन्हें भंग भी कर दिया। उन्होंने भरी रणभूमि में स्वयं ललकार दी, और जब कर्ण चुनौती के लिए प्रस्तुत हुआ
तो उसे अयोग्य सिद्ध कर दिया। पिताश्री, यदि कर्ण इस पर्दा के नियमों के अंतर्गत अयोग्य है तो मैं दुर्योधन यह घोषणा करता हूं कि यह स्पर्धा ही अन्यायपूर्ण है। इसकी नियम नीति सम्मत नहीं। दुर्योधन! हाँ आचार्य, यदि नियम यह है कि एक राजपुत्र ही राजपुत्र का सामना कर सकता है तो नियम यह भी है एक गदाधारी को एक गदाधारी का, एक खड़गधारी को एक खड़गधारी का और एक धनुधारी को ही एक धनुधारी का सामना करना है। क्या इस नियम का पालन हुआ स्पर्धा में? राजकुमार दुर्योधन, तुम नियमों में परिवर्तन नहीं कर सकते। एक राजा या राजकुमार का द्वंद केवल एक राजा या राजकुमार के संग ही हो सकता है। तो ठीक है, अगर नियम नहीं बदले जा सकते तो मैं कर्ण का परिचय ही बदल देता हूं। यदि एक राजा या राजपुत्र ही इस रंगभूमि में चुनौती दे सकता है तो मैं आज कर्ण को सीमांत राज्य अंग प्रदेश का राजा घोषित करता।